in the wake of India's success at the 2016 Olympics, it's amazing to see that the phrase, like a girl, has been completely turned around on its head and is being used in a very positive transition, and not just in our country, but world over. But clearly in India, we still have a long way to go with this. And on that note, I just want to ask a question to Sakshi based on the surveys, which is that since it does say, Sakshi, जैसे कि आपने पढ़ा भी सर्वे पर लिखा है कि 6 में से 10 लड़कियों स्पोर्ट्स बंद कर खेलना बंद कर देती हैं जब वो प्यूबर्टी पर पहुंच जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं, नहीं करना चाहिए? वो करती हैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी बहुत टॉन्ट करती है. वर्ड मेरे साथ भी हुआ था लेकिन मैंने उनका नहीं सुना और कंटिन्यू किया. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करना चाहते हो खुल के करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी दुनिया कुछ भी बोलती है, डोंट केयर. ऑसम. एंड बी प्राउड टू डू इट लाइक अ गर्ल. यू गाइस बिल्कुल कंपेयर क्यों कर रहे हो, वो अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं और मैं मेरी फील्ड में अच्छी हूँ, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है. सब अपनी फील्ड में अपने मन से बेस्ट. मेरा प्रश्न साक्षी से है, साक्षी आपके लिए, कि जब आप मतलब पहले अभी आप जीत के आई हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जब आप खेल रही थी तो क्या कभी आपने इस तरीके की जो आपकी विन है मतलब कि जीत है इसको आपने सोचा था, या फिर अभी आप कैसा महसूस करती हैं और आगे आपकी जो लड़कियां हैं यंगस्टर उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैंने सोचा था, मैं 12 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक में मेडल लाऊं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेडल के बाद इतना सब मिलेगा. बहुत बहुत स्पेशल फील करवा रहे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है. अब अकेली गई थी, अब पूरा इंडिया जानता है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए. साक्षी, आपको स्पोर्ट्स के अलावा क्या फिल्में देखने का शौक़ है, और अगर है तो क्या आपने सोनाक्षी जी की अकीरा देखी है? नहीं, क्योंकि अभी फंक्शंस में बिजी हूँ, लेकिन टाइम निकाल के मैं ज़रूर देखने जाऊँगी. देखना और मुझे फ़ोन करके बताना कैसा लगा. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बराबर का मैच था, चाहे पैरालंपिक्स हो चाहे नॉर्मल ओलंपिक्स हो. अभी मैं लेटेस्ट दीपा मलिक जी से मिली हूँ, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. बल्कि मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, और जबकि वो इंडिया के लिए सिल्वर लाए हैं और वो इस स्टेज से लाई हैं, तो बहुत मतलब बराबर का लेवल देना चाहिए. और गवर्नमेंट भी उनके लिए बहुत कर रहे हैं. अभी मैंने सुना है कि मुझसे भी ज़्यादा उनका सम्मान हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.